समान समून तुम घट लुटा करो। वो पुलसा की पुलसा पावर रेंजर एसपीडी यानी स्पेस पेट्रोल डेल्टा, जिसे मैं बचपन में स्कूल से छूटने के बाद घर आके चूस चूस के देखा करता था। लॉलीपॉप, तुम लोग क्या समझे? यो गाइस, मेरा नाम अमरंत नहीं है और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पावर रेंजर की सबसे फेमस और पॉपुलर फ्रेंचाइज पावर रेंजर एसपीडी के बारे में, जो कि 2005 के टाइम पे रिलीज हुआ था। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, शो को रिलीज हुए 18 साल हो चुके हैं। डैम, टाइम गोज फास्टर देन आई नट। बेसिकली ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ शो के अंदर जो 5 ओजी रेंजर्स थे, रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, उनके साथ शो खत्म होने के बाद क्या हुआ। यानी पावर रेंजर एसपीडी के खत्म होने के बाद इन लोगों ने अपने करियर के साथ क्या किया, क्या इन्होंने नई मूवीज और सीरीज के अंदर काम किया, या फिर शो के एंड होने के बाद इनके करियर का भी एंड हो गया, यही सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले बात कर लेते सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल रेंजर के बारे में, यानी येलो रेंजर, जिसके मोटिवेशन की वजह से आपने ये वीडियो खोली होगी, मुझे पता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैन विल बी मैन। तो येलो रेंजर, जिसे शो के अंदर जी नाम से बुलाया जाता था, उसका रोल मोनिका मे नाम की एक अमेरिकन एक्ट्रेस ने प्ले किया है, जिनकी उम्र इस टाइम पे 38 ईयर्स है। मोनिका का करियर शो के बाद बहुत ज्यादा बड़ा और सक्सेसफुल तो नहीं रहा था, उन्होंने सिर्फ छोटी मोटी इंडीज बी ग्रेड टाइप की मूवीज में ही काम किया था, जिसकी वजह से शायद उन्होंने ओनली फैंस का अकाउंट खोल दिया थोड़े टाइम पहले, जहाँ पे वो अडल्ट बनाती है। अब मुझे नहीं पता वो किस टाइप का अडल्ट कंटेंट बनाती है, लेकिन आप उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेक करके अच्छा खासा अंदाजा लगा सकते हो। बाकी आप उनके ओनलीफैंस अकाउंट बनाने के बारे में क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। मेरे हिसाब से ये कोई खराब चीज नहीं है, अगर आपको आपकी बॉडी दिखाने का पैसा मिल रहा है तो उसमें दिक्कत ही क्या है, आपकी खुद की तो बॉडी है। बाकी रईस ने तो बोला ही है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मोनिका एक एक्टर होने के अलावा डांसर भी है, तो वो बार्स के अंदर परफॉर्मर का भी काम करती है और योगा इंस्ट्रक्टर का भी काम करती है। बात कर लेते हैं टीम के लीडर यानी रेड रेंजर के बारे में। शो के अंदर रेड रेंजर, जिसे सब लोग जैक के नाम से बुलाया करते थे, उनका रोल ब्रेंडन जे मक्लेर नाम के एक कैनेडियन एक्टर ने प्ले किया है, जिनकी उम्र इस टाइम पे 40 साल है। तो एसपीडी के खत्म होने के बाद ब्रेंडन का करियर अच्छा खासा ही रहा था, जिसमें उन्होंने कोई बिग बजट टाइप की मूवीज के अंदर तो काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने काफी सारी टीवी सीरीज, शो और छोटी मोटी मूवीज के अंदर काम किया है, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो, और आज के टाइम पे भी वो काम कर ही रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लू रेंजर के बारे में, जिसे शो के अंदर स्काई नाम से बुलाया जाता है। तो स्काई का रोल क्रिस वायलेट नाम के एक कैनेडियन एक्टर ने प्ले किया था, जिनकी उम्र इस टाइम पे 41 इयर्स है। पावर रेंजर खत्म होने के बाद क्रिस का करियर भी कुछ ज्यादा खास नहीं रहा था, इन्होंने भी कोई बड़ी मूवी और सीरीज के अंदर काम नहीं किया, सिर्फ छोटे मोटे साइड कैरेक्टर्स ही प्ले किए थे मूवीज के अंदर। लेकिन इन्होंने खुद काफी सारी शॉर्ट फिल्म्स को प्रोड्यूस किया है और खुद ही एक्टिंग किया है उसमें, बेसिकली अपने हिमेश भैया जैसा काम है। अब बात कर लेते हैं ग्रीन रेंजर के बारे में, जिसे शो के अंदर ब्रिज नाम से बुलाया जाता था, और शो में सबसे ज्यादा फेवरेट मेरे यही रेंजर थे। आपका कौन सा रेंजर फेवरेट था कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और एक फन फैक्ट बताऊं, ब्रिज ने शो के अंदर ग्रीन रेंजर के अलावा रेड रेंजर और ब्लू रेंजर का भी रोल प्ले किया था। ब्रिज का कैरेक्टर एसपीडी के अंदर मैट ऑस्टिन नाम के एक कैनेडियन एक्टर ने प्ले किया था, जिनकी उम्र इस टाइम पे 44 इयर्स है। अब मैट एक एक्टर होने के अलावा म्यूजिशियन भी है, लेकिन इनका भी एक्टिंग करियर कुछ ज्यादा खास नहीं रहा था या फिर सक्सेसफुल रहा था। इन्होंने भी शो खत्म होने के बाद छोटी मोटी मूवीज के अंदर ही काम किया था और कुछ कुछ को तो डायरेक्ट भी किया था। हाल फिलहाल में ये स्क्रीन राइटर का काम कर रहे हैं, यानी वही छोटी मोटी शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। अब आ जाते हैं पिंक रेंजर के ऊपर, जिसके बारे में जानने के लिए आपने ऑब्वियसली वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट ये पार्ट पे आ गए होंगे। सच्ची बताना, वीडियो को स्किप किया था कि नहीं, इतना भेदभाव अच्छा नहीं होता। तो पिंक रेंजर यानी सिड का कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अलिशिया पुरत नाम की कैनेडियन एक्ट्रेस ने प्ले किया था, जिनकी उम्र इस टाइम पे 39 ईयर्स है। और एसपीडी के खत्म होने के बाद इनका करियर भी चालू होने से पहले ही खत्म हो गया। अलिशिया ने पावर रेंजर के बाद सिर्फ 5 या 6 मूवीज के अंदर ही काम किया, और 2012 के बाद उन्होंने एक भी मूवी के अंदर काम नहीं किया है या एक्टिंग के रिलेटेड काम किया हो। इस टाइम पे वो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रही है, जिसमें वो बड़ी बड़ी वेडिंग्स और बेबी शावर टाइप के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है। हाँ, इनकी शादी हो चुकी है, तो #sadnewsboys। बस वीडियो की समाप्ति करते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने ओनली फैंस चलाने वाले मित्रों को। कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि पावर रेंजर एसपीडी के अलावा आपको और कौन से पावर रेंजर शोज पसंद है। मेरे को पर्सनली जंगल फ्यूरी, मिस्टिक फोर्स और ऑपरेशन ओवरड्राइव काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी आज की वीडियो मेरी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर थी, मैं यूजुअली मूवीज और सीरीज के ऊपर रिव्यू वीडियो और सजेशन वीडियो डालता हूँ, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, 1000 करवाने हैं यार, जल्दी से जल्दी कर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।